हेलो गाइस। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं फायरबोल्ट के हल्क नाम के वॉच को। तो ये कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको हम लोग इसलिए अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें 10 डेज का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है और साथ में 1 ईयर की वारंटी रहती है फायरबोल्ट की तरफ से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस तरीके से आपको इसमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। फायरबोल्ट की प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। हल्क ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। इसका साइज भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है 1.7 इंच का, और ये भी एमएम में भी लिखा हुआ है। बॉक्स कुछ लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। वो कुछ थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह दी है। बैक साइड में क्यूआर कोड वगैरह लिखा हुआ है और वॉच का प्राइस यहाँ पे 18,000 रुपये लिखा हुआ है, जो कि प्रॉपर मेंशन नहीं है, मतलब प्रॉपर प्राइस नहीं है। बहुत कम में आपको वॉच देखने को मिलती है। प्राइस में वैसे एंडिंग में बता दूंगा। यहाँ पे छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं और यहाँ पे IP67 की आपको वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग देखने को भी मिल जाती है। माइक वगैरह कैमरा वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। तो खैर सभी वॉचेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर इसमें नहीं दिया गया है। तो अब इसको अपन खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप वॉच के बॉक्स को खोलते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉच के दर्शन हो जाते हैं। तो वॉच को निकाल लेते हैं थोड़ा सा बाहर और इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर देख लेते क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, पॉइंट वाला। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा है। पॉइंट वाला कुछ इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे अटैच हो गए। मैग्नेट है हल्का सा। यहाँ पे पुस्तक वगैरह दी हुई है, थोड़े बहुत कार्ड्स वगैरह दी हुए जो कि काम के नहीं है। इसको रख देते साइड में। अब आ जाते हैं हम लोग वॉच की तरफ। तो ये रही हमारी प्यारी सी वॉच। ऊपर से लुक आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक बटन, सॉरी राइट हैंड साइड से आपको एक बटन देखने को मिल जाती है। सिर्फ सिंगल बटन ऑपरेशन है, तो यहाँ पे सिंगल बटन से ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा आप लोग को। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक स्पीकर का कटआउट देखने को मिल जाता है और बैक साइड में आपको एक लाइट जो कि सेंसर वगैरह की है, और यहाँ पे प्रॉपर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अच्छा एक खासा एक आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी हुई है। अब कर लेते हैं अपन इसको ऑन। तो सिंपली इस वाले बटन को क्लिक करके रखना है 2-4 सेकंड तक, और यहाँ पे एक हल्का सा वाइब्रेशन होता है और फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आती है प्रॉपर, और कुछ इस तरीके से आपको ऑन होते हुए देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, पहले ही ये इम्प्रेस कर देता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। तो बाकी वॉचेस से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आपको फील देखने को मिलेगा इसका। टच क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अभी अपन फेसेस देख लेते हैं। तो फेसेस चेंज करने के लिए आपको सिंपली इसको क्लिक करके रखना है और यहाँ पे कुछ 8 से 10 फेसेस दिए, काफ़ी अच्छे 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 और आप अपना खुद का वॉलपेपर भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक धोनी साहब भी दिए हुए, तो इसको रख देते साइड में और एक अपन अच्छा सा वॉलपेपर सेट कर लेते। तो कुछ ये वाला वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें कलर बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसी बटन को अगर आप और एक बार टैप करोगे तो यहाँ पे मेनू स्टाइल आपका ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको क्यूआर कोड, स्पोर्ट्स मोड के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे सीरी वगैरह का जैसा एक लोगो बना हुआ है, बट इसमें गूगल असिस्टेंट एंड आपको सीरी दोनों चालूंगा, तो ये आप दोनों सपोर्ट इसमें कर सकते हो। स्टॉप वॉच का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप टाइमर वगैरह सब लगा सकते हो। हार्ट रेट का सेंसर वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रॉपर ये पीछे का लाइट ऑन हो जाता है जब भी अपन सेंसर ऑन करते हैं। तो खैर अभी हमने पहन नहीं रखा है इसलिए सेंसर वगैरह काम नहीं करेंगे, सेंसर वगैरह को हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। अभी देख लेते हो और भी फीचर। तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो और ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। तो आउटडोर वगैरह में जो है आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पे कॉलिंग वगैरह फीचर वैसे भी दिया गया है, तो ये कनेक्ट करने के बाद वर्क करता है सब मोबाइल से, जब आप कनेक्ट करोगे तभी ये वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप और भी मेनू स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेनू व्यू, यहाँ पे लिस्ट और ग्रिड, दोनों दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी वॉच फेसेस का यहाँ पे ऑप्शन है, ब्राइटनेस सेट करने का ऑप्शन है और ऑटो स्लीप का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो मतलब आप टाइम भी इसका बढ़ा सकते हो 20 सेकंड, 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक मैक्सिमम यहाँ पे रखा हुआ है, तो अपन 30 सेकंड पे सेट कर लिया। बाकी टच वगैरह में काफ़ी अच्छे, तो कैमरा वगैरह वैसे ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले अभी अपन कर लेते हैं इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट, ताकि और भी जो फीचर इसमें दिए हुए वो अपने को समझे। और यहाँ पे गाइस एक अलार्म का भी ऑप्शन दिया हुआ है और SPO2 जो रीड करता है वो वाला भी एक ऑप्शन है। तो सेंसर वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हुए। बारी आती है इसको चेक वगैरह करने की, तो चेक कर लेते कि नोटिफिकेशन वगैरह आती है और कॉलिंग पे बात होती है या नहीं होती है। आपको ये नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, DA फिट प्रॉपर यहाँ पे आपको मैंने शो कर दिया है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो इससे आप बाइंड कर सकते हो इजीली। कोई भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी कनेक्शन के टाइम पे, इजीली कनेक्ट होगी है। नोटिफिकेशन की सेटिंग सारी यहाँ से हो जाती है, तो आप इजीली सब कुछ सेटिंग कर सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे आपको जो है डिफ़िकल्टी शो या फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वॉलपेपर वगैरह ये देखिए बहुत इजीली सेट हो जाता है, यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, गैलरी में से आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। यहाँ रहा आपका बाहर में एक ऑप्शन, तो एडिट के ऊपर क्लिक करना है सिंपल। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप
चूज फ्रॉम एल्बम के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और ये इतने कुछ भी गैलरी से आप कोई भी फोटो उठा के सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ये कर सकते हो सेट। ऑलमोस्ट इसने 2 मिनट ले लिया है वॉलपेपर सेट करने के लिए, बट इट्स ओके, काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है खुद का वगैरह। कोई भी अगर आप वॉलपेपर सेट करते हो तो कुछ कुछ वॉचेस में ब्लर कर देता है, बट इसमें आपको क्लियर फोटो देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक फाइंड ऑप्शन का यहाँ पे देखने को, मतलब एक फाइंड नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो हल्की सी जो वॉच है वाइब्रेट करती है, जबकि थोड़ी सी बजनी चाहिए थी जिससे थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये वॉच इधर इधर रखी है, बट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ आपको एप्लीकेशन में अलार्म सेट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अलार्म वगैरह जो है सेट कर सकते हो। शटर का ऑप्शन है, फेवरेट कॉन्टैक्ट में आप फेवरेट कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो अपने वॉच में। अपडेट का भी यहाँ पे ऊपर में ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्रिकेट का स्कोर वगैरह भी आप यहाँ से कुछ देख सकते हो। तो इतने से ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ज़्यादा कुछ ऑप्शन दिए नहीं हुए। अब इसको हम लोग पहन लेते हैं और देखते हैं कि इसके सेंसर वगैरह प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं है। काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम फील देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और राइट अगर आप स्वाइप कर तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट बार्स आपके खुल जाते हैं जिसमें आप से अपने हार्ट रेट वगैरह SpO2 रीडिंग वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हो। जैसे कि रीडिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है, और बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक स्मॉल सी लाइट ग्रीन कलर की ऑन हो गई है जो कि इसकी रीडिंग की है। तो ये रीडिंग अभी ले रहा है, देखते एक्यूरेट है या नहीं है। अब BPM चेक कर रहा है, 1 मिनट आई थिंक ये लेता होगा। और नीचे में ग्राफ्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, मतलब इंटरफेस काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इसमें। सॉफ्टवेयर वगैरह 78 BPM दिखा रहा है, बट पता नहीं है कि एक्यूरेट है या नहीं। और ये कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, 76 इसने फाइनल कर दिया है, बट अब ये एक्यूरेट है या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। होगा शायद गाइस एक्यूरेट, क्योंकि पहनने के बाद ही वर्क करता है। और 18 स्टेप पे चला हुआ दिखा रहा है जबकि मैं शायद 10 स्टेप चला हुआ, सिर्फ ज़्यादा स्टेप्स मैंने अभी चले नहीं है। ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें से आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन वगैरह है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, और यहाँ पे पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एक टॉर्च का भी ऑप्शन दिया है जो कि आपको अंधेरे में काम आएगी। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह शो करता है, और सेटिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप वाइब्रेशन वगैरह, लो पावर मोड वगैरह, और AI वॉइस वगैरह, फाइन वॉच, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऐप डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, वर्जन वगैरह इसमें लिखा हुआ है, प्रॉपर सेटिंग में ही ये सब ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे रिसेंटली जो भी हमने यूज़ किया हुआ फंक्शन वो आपको देखने को मिलते हैं, और ऊपर स्वाइप करोगे तो रिसेंट में जो आई हुई है नोटिफिकेशन वगैरह। अभी खैर मुझे कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है इसलिए मुझे कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब कॉलिंग वगैरह हम लोग लगा के देखते हैं एक बार कॉलिंग के लिए क्या यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलती है। तो कॉल करने के लिए आपको सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से इनेबल फोन कॉल्स को ऑन करना पड़ेगा, और अपने जो है फ़ोन में जाके ब्लूटूथ से इसको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कनेक्ट कर लेते थोड़ा सा इसको ब्लूटूथ से ताकि कॉलिंग का हमारा जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाए। अब ब्लूटूथ में आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑलरेडी एक तो ऑप्शन से कनेक्ट है, बट यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डेली फिट या फिर FB शायद ये वाला ऑप्शन, तो हम लोग इससे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी कॉलिंग में बात है कोई। हाँ गई, ये कनेक्ट हो गया है तो आपको ब्लूटूथ में 2 डिवाइस देखने को मिलेंगे ये दोनों नाम के, तो उसके बाद ही आपकी जो है कॉलिंग वगैरह ऑन होगी। अब ये हमने कॉलिंग के लिए कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपका डायल पैड ओपन हो जाता है, यहाँ से आप कोई भी नंबर दबा के जो है कॉलिंग कर सकते हो। अभी हम लोग एक नंबर दबा के कॉल करके देखते हैं, तो ये कॉल लगा दिया है, बट अभी हम लोग लाइव में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसी फ़ोन से वीडियो शूट हो रही है, तो इसको रख देते साइड में। और रिसेंट में जो हमने कॉल वगैरह किए हुए वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड अच्छे से, और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पहले से आप सिंक करना पड़ेगा एप्लीकेशन से, तो ईजी स्टेप से कोई भी यहाँ पे हार्डवर्क वगैरह आपको नहीं करना है। बाकी म्यूज़िक वगैरह एक बार बजा के देखते हम लोग यूट्यूब से, तो यहाँ चले जाते हैं हम लोग यूट्यूब पर और देखते हैं कोई म्यूजिक वगैरह बजा के, शॉर्ट ही खोल लेते गाइस। तो स्पीकर का आवाज आप क्लियरली सुन सकते हो। इसका नाम है अच्युत उर्जी, भारतीय सेना की एक कमांडो जी है, इसका काम है सीमा पार से बढ़ रही थोड़े से। आप क्लियरली समझ सकते हो कि भाई स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कॉलिंग वगैरह के टाइम पे बहुत अच्छा आपको साउंड देखने को मिलता है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे स्पीकर के रिगार्डिंग तो आपको नहीं होने वाली है, कॉलिंग पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ से आप इजीली जो है म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, आगे पीछे जो भी अपना म्यूजिक वगैरह वो चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम कम ज़्यादा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है,
बाकी वॉच ओवरऑल काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, टच क्वालिटी से लेके तो सारी गाइस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगी। टच क्वालिटी एंड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी पैकअप इसका 10 डेज इजीली चल जाता है। प्रॉब्लम आती है चार्जिंग टाइम में, आपको चार्जिंग होने के लिए 2 घंटा ऑलमोस्ट लग जाते हैं। कभी कभी ये कम टाइम में भी हो जाती है, बट कभी कभी ये 2 घंटा ले लीजिए पूरा फुल चार्ज होने को, बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि 10 दिन में एक बार चार्ज कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा चार्जिंग को भी टाइम इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी नोटिफिकेशन वगैरह इसमें प्रॉपरली आ जाती है, कॉलिंग वगैरह पे बहुत अच्छे से बात हो जाती है, वहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल जो लुक वगैरह है इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, आईफोन वगैरह जैसा लुक थोड़ा सा नहीं है इसका। तो किसी किसी को बटन पसंद नहीं आती स्क्रॉल वगैरह वाली या फिर बीच में जो बटन रहती है, बट जो इसकी बटन है बहुत ही स्लिम वगैरह आपको देखने को मिलती है साइड से, तो लुक इसका थोड़ा सा अलग आता है और काफ़ी अच्छा एक लुक आपको देखने को मिल जाता है। अगर ये वॉच आपको परचेस करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हो। वैसे तो आप हमसे भी परचेस कर सकते हो स्टोर पे विजिट करके, तो अगर आपको हमारे स्टोर से परचेस करना है तो मैं स्टोर का लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो विजिट करके चेक करके इसको लेके जा सकते हो। तो मिलते गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही था, बाय गाइस।